गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लखनवी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज झमेला जानव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे अपन अगले स्टेंजा के बारे में, 21 स्टेंजा के बारे में। देखिए, देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज And the place of famine, energy supply, and many holy texts around say stew that is the rustic monastic to tie. देखिए मैंने देखे their name their year spelled by the unlettered muse the place of famine, energy supply, and many holy texts around say stew that is teach the rustic moralistic to die. देखिए इसकी मीनिंग देखिए, देयर नेम्स देयर ईयर्स मीन्स है द कंट्री पोएट हु हैज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री हैज रिटन ऑन देयर ग्रेव्स देयर नेम्स एंड द ईयर्स ऑफ देयर लाइफ द नेम्स एंड द ईयर्स हैव बीन स्पेल्ड रॉन्गली स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड। ठीक है, इस लाइन का मैंने देयर नेम्स देयर म्यूज स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज मीन्स है द कंट्री पोएट हु हैज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री हैज रिटन ऑन देयर ग्रेव देयर नेम्स एंड द ईयर्स ऑफ देयर लाइफ द नेम्स एंड द ईयर्स हैव बीन स्पेल्ड रॉन्गली। अब देखिए, स्पेल्ड बाय अनलेटर्ड म्यूज कंपोज्ड और एनग्रेव्ड बाय अनलेटर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ हेम एन एलिजी सप्लाई मीन्स है इंस्टीड ऑफ द लॉन्ग एपिटेप ऑन द टॉम्स ऑफ द ग्रेव आई हेयर ऑन द मेमोरीज आर सिंपली सिंपल थिंग्स रिटन बाय द अनलेटर्ड पोएट ऑफ द कंट्री एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द राइटिंग इज टू प्रोवाइड हेम एन मॉर्निंग ऑफ द पर्सन लाइंग द ग्रेव मैनी अवर टेस्ट मीन्स है दी वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम दी हॉली बाइबल। ठीक है, अब देखिए सी मीन्स है मस्ट ऑफ द पोइटिक टैलेंट ऑफ द कंट्री पोइट काम के विषय में लिखने वाले कवि की कविता में प्रयुक्त होने वाली कड़कड़ाहट का शब्द है। स्ट्यू मीन्स स्केटर्सन बखेरता है दैट टीच The rusty moralistic to die, the holy strict from the scriptures, day the country people to die cheerfully. The wild villain उनके शांतिपूर्वक प्रसन्न हृदय को मरना सिखाती है। अब देखिए इसके स्पेस देखिए their names, their years, spelled by the unlettered muse, the place of fame and elegy. Supply and many a holy text around the streets that is the rusty moralistic to die. देखिए दी लाइन्स आर फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे द पॉइंट डिस्क्राइब द अनयूजफुलनेस ऑफ द लाइन्स एनग्रेव्ड ऑन द ग्रेव्स ऑफ द फेबल रस्टिक्स द लाइन्स ऑफ द बाइबल एनग्रेव्ड ऑन द ग्रेव्स ऑफ द पूर रस्टिक्स टीच द अदर प्लेजर्स नॉट टू फियर डेथ द पॉइंट से दैट नो ऑर्नामेंटल ट्रॉफीज आर रेड ऑफ द पुअर रस्टिक्स ओनली देयर आर सिंपल एंड ऑर्डिनरी मेमोरियल्स फॉर देम ओवर देयर टर्म्स देयर नेम्स आर ईयर्स आर इंस्क्राइब्ड दी वर रिटन बाई अनएजुकेटेड पर्सन्स दैट इज वाई दे आर ओनली स्पेल्ड देयर आर नो लॉन्ग एपिटाइम ऑन देयर टर्म्स एज फाउंड ऑन दोज ऑफ द Yet there are on their tongues many beautiful sentences from the Bible such as I love them that love me. Blessed are they that keep thy ways etc. These small sayings are scattered over their tongues. They give spiritual consolation to the rustics. They inspire the people to them to meet death cheerfully.
देखिए अगले स्टैंजा के बारे में, फॉर हू टू डम फॉरगेटफुल लेस ए प्रे दीज प्लेजिंग शी हैज बीन एवर डिजाइन लेट दी वन प्रीसिंक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे कास्ट वन लॉन्गिंग लॉन्गिंग रिंगलिंग लुक बिहाइंड। देखिए मीनिंग्स देखिए इसके, फॉर हू टू टॉम्स फॉरगेटफुलनेस ए प्रे दे प्लेजिंग चेयर बींग एवर डिजाइन लेफ्ट द वॉर्म प्रीसिंक्ट ऑफ द चीयरफुल डे और कार्ट वन लॉन्गिंग रिंगिंग लुक दिया है। देखिए प्रे प्रे मीन्स ए गिवन ओवर एज ए विक्टिम मतलब शिकार, प्लेजिंग इन सीयस बींग मीन्स ए लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड एंजाइटीज मतलब प्रसन्नताओं और चिंताओं से युक्त जीवन। अगला है प्रीसिंक्ट मीन्स ए एनक्लोज मीन्स सीमा, चीयरफुल डे मीन्स ए हैप्पी डेज ऑफ देयर लाइफ उनके जीवन के प्रसन्न के दिन। नॉर कॉस्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड मीन्स ए विदाउट लुकिंग यूजफुली एट द थिंग्स विच आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डेथ कि मृत प्रधान छोड़ने वाले वस्तुओं पर बिना सुखपूर्वक विचार किए। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर हू टू डम्ब फॉरगेटफुल नहीं से प्रे दिस प्लेजेंसियस विंग ए विंग एवर जैन लेव दी वॉ प्रेसिंग ऑफ द चीयरफुल डे और कॉस्ट वन लॉन्गिंग लुक बिहाइंड कि दी लाइन्स आर फ्रॉम रेज एल इज रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड कंपोज बाय थॉमस ली। दी बॉय से दैट नॉट ओनली द रिच बट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आल्सो डिजायर टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ लाइफ डिस्पाइट्स वरीज पॉवर्टी एंड अटेंडेंट मिजरी इज यर सो स्वीट एंड प्लीजेंट दैट नोबडी हाउएवर पुअर एंड हम्बल ही माइट बी विलिंगली लीव द वर्ल्ड पीपल नो दैट द डेथ इज अ डार्क वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज फॉरगॉटन therefore they are reluctant to leave this world which was constantly poor present and blissful so at the time of death everyone looks back on present senses of life in both unblinkingly lifted is casting all the white and eager and daring look upon the world which he perforce leaves behind his body is literally taken toward death but his soul eagerly looks backward सीन्स ऑफ फिजिकल लाइफ। अब देखिए अगले स्टैंजा के बारे में, ऑन सम फोन रेडी पार्टी सॉल रियली रियलाइज सम पायस डॉग द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राई इवन इन आवर ऐसे लाइफ देयर वॉन्टेड फायर्स। देखिए इसके मैंने देखिए ऑन सम फाउंड वेयर द पार्टिंग सॉ रियलाइज सम फायर्स ऑफ द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राई इवन आवर ऐसे देयर वॉन्टेड फायर्स। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, इसकी मीनिंग देखिए सब पहले, फॉन्ड ब्रेस्ट मीन्स ए ब्रेस्ट ऑफ समिंग लविंग फ्रेंड मतलब प्रिय मित्र का वक्ष स्थल, पार्टिंग साउल मीन्स ए दी पर्सन हु डाइंग दूर से मर रहा है, रिलाइज मीन्स ए डिपेंड सबको निर्भर करता है, फर्स्ट रॉफ मीन्स ए टीयर्स, क्लोजिंग आई मीन्स ए दी पर्सन हु डाई व्यक्ति जो मर रहा है, इवन आवर ऐसी लाइफ दी वर्ल्ड फायर्स इवन फ्रॉम द टॉम्स द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज मीन्स इवन आफ्टर बीइंग वरीड इन द ग्रेव द डिजायर ऑफ बीइंग रिमेंबर्ड एस्पी इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस मतलब कर्म में गाड़ दिए जाने के पश्चात भी याद किए जाने की इच्छा सरल लोगों द्वारा व्यक्त
की जाती है। अब देखिए वांटेड मीन्स है कस्टम मीन्स आदि एंड आवर एसेस लिंद ईयर वांटेड फायर मीन्स है इवन व्हेन वी आर बरीड इन आवर ग्रेव्स द ऑल डिजायर ऑफ बीइंग रिमेंबर्ड कंटिन्यूस एंड इज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस। मरने के बाद इंसान ये चाहता है कि उसकी याद बनी रहे। अब देखिए इसके एक्सप्रेशन देखिए ऑन सम फॉर्म रेस्ट द पार्टिंग्स आवर लाइज सम पैश ऑफ द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स इवन फ्रॉम द टर्म्स द वॉइस ऑफ नेचर क्राई इवन आवर ऐसे लाइव दे आर वॉन्टेड पैर्स। देखिए इसकी एक्सप्रेशन देखिए इन दी लाइन दी पॉइंट कन्वे द आइडिया दैट द डिजायर ऑफ ए मैन टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर ही डेथ फाइंड्स एक्सप्रेशन इन डिस्क्रिप्शन ऑन इट टर्म इन दिस फेमस एलिजी दे से दैट द टाइम एंड वांट टू सी हिज नियर एंड डियर वन टू ड्रॉ टीयर्स फॉर हिम आफ्टर ही डेथ आल्सो ही नेचुरली बॉन्ड्स इट मेमोर टू बी इंस्क्राइब ऑन इट टर्म्स। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू कंपेयर दीज थॉट्स विद एडिसन एंड मेडिसन एंड मेडिटेशन इन वेस्ट मिनिस्टर एबी द पॉस है दैट आई मे रियलाइज सम लविंग फ्रेंड ही नीड द पास्ट ईयर्स ऑफ अपेक्सेशन फ्रॉम हिम दैट इज ही वन दैट इज फ्रेंड ऑफ एक्वेंटेंस और रिलेटिव हूएवर देयर मे बी वी सैड ईयर्स व्हेन ही इज डिपार्चिंग from the world. He wants memory to remain here and it is what natural. Not only this, when after his death all is dust and seen. The natural desire that one should be remembered after that seemed to be crying and the fire that was accustomed to be in those ashes. That is our fine expression in the inscriptions on it.